नमस्कार। प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज सबसे पहले बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश के बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राजस्थान की है और मुझे कहते हुए खुशी है। 3% बजट खर्च होता था, हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रदेश में बनेगा राजस्व आसूचना और आर्थिक निदेशालय। और गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना, नजर आया पारंपरिक सामाजिक सद्भाव। आज के बुलेटिन के साथ मेधा और अरिंदम। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। जो प्रदेश अपनी जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देता हो, 25 लाख रुपए का बीमा कवर देता हो, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देता हो, जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच और दवाएं मुफ्त हो, विश्व स्वास्थ्य दिवस का उससे ज्यादा महत्व भला कौन समझ सकता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जिसने चिकित्सा और स्वास्थ्य के हर पहलू को साकार कर दिखाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम चिरंजीवी राजस्थान का प्रण और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। ये ऐसा संकल्प है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अक्सर सार्वजनिक मंचों पर करते रहे हैं। हमारा प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया। अब राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हब बनता जा रहा है मेडिकल का भी, यहाँ पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना बड़ी बात। हमारी जो योजनाएं हैं उसको तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा आ रही है। किस प्रकार से पहले हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया है, सबके लिए 10 लाख या 25 लाख तक इलाज जो है उनका फ्री होगा। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारी योजना है उनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक मिले जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की, जो गरीब है, झोपड़े में रहता है, उनको मालूम नहीं सरकार की योजना क्या क्या है। उधर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में RTH और चिरंजीवी सहित गहलोत सरकार के नवाचारों की चर्चा की। राइट टू हेल्थ कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी आज सारी चाहे दवाई कोई भी जांच हो बड़ी से बड़ी वो भी हम फ्री कर रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। सुजस आवाज राजस्थान ने बात की उन लोगों से जो रोग मुक्त होकर आज फिर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। मैं मोहनलाल मीणा ग्राम राम सिंहपुरा कानोता का रहने वाला हूँ और मेरे जयपुर में 2 ऑपरेशन हुए हैं। एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेरे एक स्टेंट डला है, दूसरा मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। दोनों मेरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना निःशुल्क मेरा इलाज हुआ है, इसमें मेरे को 1 रुपये पे नहीं करना पड़ा, सभी खर्चा सरकार ने उठाया है। CM साहब से मैंने यही अपील करी है कि ये योजना देश के सभी राज्य में ये योजना चालू होनी। मेरा नाम अंतिमा शर्मा है, मेरे लंग कैंसर है, मेरा सर्जरी तो SMS हॉस्पिटल में हुआ है, आगे का इलाज मेरा SCG हॉस्पिटल में हुआ है, जिसमें लगभग मेरे 5 लाख रुपए सर्जरी के, 2 लाख रुपए मेरे कीमोथेरेपी और रेडिएशन में हुआ है और पूरा निःशुल्क हुआ है। और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा सहायकों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्हें इस महीने से हर महीने बतौर हार्ड ड्यूटी भत्ता 200 रुपए मिलेंगे। अभी पशु चिकित्सकों को 500 और पशुधन सहायक को 200 रुपए हर महीने हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलता है। अब पशु चिकित्सा सहायकों को भी ये भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिसे मंजूरी देकर उन्होंने अमली जामा पहना दिया है। अब बात रणथंभौर अभयारण्य की, जो बाघों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। बाघों के संरक्षण में यहाँ काम कर रहे विशेष बाघ संरक्षण बल STPF की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि STPF के 85 नए पद अब पुलिस पैटर्न की बजाय फॉरेस्ट पैटर्न पर बनाए जाएंगे। इनमें एक सहायक वन संरक्षक, 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी और 81 वन रक्षक होंगे। इसके साथ ही संविदा पर 27 फॉरेस्ट वॉचर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। CM ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सरकार पर 3,60,00,000 रुपए सालाना का वित्तीय भार आएगा, लेकिन टाइगर सफारी में बाघों के संरक्षण, ट्रैकिंग और शिकारियों के बचाव जैसे काम कहीं बेहतर हो सकेंगे।
सामाजिक विकास के लिए राजस्व जरूरी है तो ये भी कि आर्थिक अपराध नहीं हो, तभी तो गाढ़ी कमाई की पाई पाई ईमानदारी से जनता को समर्पित हो पाएगी। इसी पावन सोच को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा दी है एक निदेशालय के गठन के जरिए। अब प्रदेश में बनेगा राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय। वित्त विभाग की राजस्व इकाई इसकी नोडल एजेंसी होगी। डायरेक्टरेट का काम होगा आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, उनकी जांच और दोषियों को सजा दिलाना। ये भी परखा जाएगा कि राजस्व का रिसाव क्यों हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए। निदेशालय में महानिदेशक और आयुक्त सहित 107 पद होंगे जिन्हें प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। गहलोत सरकार के इस नवाचार से मानव संसाधन का तो उपयोग होगा ही, अपराधों पर भी लगाम लगेगी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। विभागीय कार्यशाला में उन्होंने लोगों को पट्टा देने का अभियान तेज करने और पट्टों की संख्या 10 लाख के पार ले जाने का लक्ष्य दिया। यूआईटी सभागार में उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत 144 विशेष योग्यजनों को स्कूटी सौंपी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए समर्पित है। तो सरकार के द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से चाहे कोई भी दस्तावेज हो, अगर वो एक दस्तावेज भी पाता है और रिहाइश है अगर उस आदमी की, तो वहाँ पर पट्टा मिलेगा। जिनको आज स्कूटी दी गई है, मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बड़े स्तर पर चलाई है, पूरे राजस्थान में चलाई है। 144 तो आज बढ़ रही है, आगे भी जो है इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। जो यातायात के नियम है उनकी भी पालना करोगे ताकि फिर कोई हादसा आपके साथ न हो। मुख्य सचिव उषा शर्मा बूंदी जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने हिंडोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वे तालाब गाँव में शिल्पकारों से भी रूबरू हुई और उनकी बात सुनी। सीएस ने बूंदी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर उनके साथ रहे। सीएस ने कहा, आई बूंदी जिले के दौरे पे और हमने जो है मेडिकल कॉलेज का, पीएचसी का और सिलिकॉसिस में जो उन्होंने नई तकनीक लगाई है, इसके अलावा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में जो सौंदर्यकरण का काम हो रहा है देखा और बहुत प्रसन्नता हुई कि जिला प्रशासन जो है जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बूंदी जिला जो है सब फ्लैगशिप प्रोग्राम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। RCDF की प्रबंध संचालक सुषमा अरोरा उदयपुर संभाग के 2 दिन के दौरे पर रही। उन्होंने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निरीक्षण किया और डेयरी अधिकारियों को दूध संकलन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में जल्द ही 31 करोड़ की लागत से नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। प्रबंध संचालक ने सबसे ज्यादा दूध संकलन के लिए 2 लोगों को सम्मानित किया और 2023-24 की बजट घोषणा के तहत डूंगरपुर में मिल्क चीलिंग सेंटर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। बांसवाड़ा जिले को मिल गया है उसका अपना क्रिकेट स्टेडियम। इस आदिवासी अंचल के ठीकरिया में बना ये स्टेडियम विधिवत रूप से जनता को सौंपा राजस्थान क्रिकेट संघ के संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। लोकार्पण समारोह में उनके साथ RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। वागड़ के गांधी नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। स्टेडियम का निर्माण मनरेगा और SSC के मद से हुआ है। रखरखाव के लिए जिला प्रशासन और RCA के बीच इस अवसर पर करार भी हुआ। क्या आप जानते हैं कि अब विदेशी सरकारें सुरक्षा और पुलिस तंत्र मजबूत करने के गुर सीखने के लिए अपने अफसरों को राजस्थान भेज रही है? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीकी देश टोगो गणराज्य के 40 आला पुलिस अधिकारी जोधपुर के राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में सुरक्षा के गुर सीख रहे हैं। टोगो के पुलिस प्रमुख UV ओकोपॉल और VIP सुरक्षा प्रमुख कर्नल ओरू ने जयपुर में पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक उमेश मिश्रा से मुलाकात कर इस प्रशिक्षण के लिए आभार जताया और अपना पुलिस ध्वज भेंट किया। DGP ने इस मौके पर उन्हें मोमेंटो भेंट किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आला दर्जे की प्रशिक्षण सुविधाएं हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।
आज गुड फ्राइडे है। मुख्यमंत्री ने इसे विश्वास, करुणा और शांति की शक्ति को याद करने का पवित्र अवसर बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि हम सब कठिन समय में भी इस मार्ग का पालन करना याद रखें। इस अवसर पर ईसाई लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए गरीबों को खाना बांटा गया और उपवास रखा गया। प्रदेश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। नमस्कार।